एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गर्ल गायत्री ब्लॉग में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पर उससे पहले आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आप गेस करिए कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं करवा चौथ भी दिवाली, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको मतलब किस ओकेज़न के लिए साड़ी दिखा रही हूँ। तो मैं ये बताऊंगी आगे, पर उससे पहले आप थोड़ा गैस कर लीजिए। तो वो दिखाने के बाद, ये सुबह का टाइम है और मेरे सुबह के जो काम होते हैं वो सब हो चुके हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ़ सफाई, कपड़े धोना, और मेरा नहाना भी हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि सुबह सबसे पहले मेरा काम नहाने के बाद पूजा करना ही होता है। तो मैंने अगरबत्ती भी लगा दी है और मैंने जोत भी दिखा दी है और मेरी मतलब मैंने घंटी भी बजा दी है, और मैं बस 5 मिनट के लिए प्रार्थना करूँगी तो इस तरह मेरी सुबह की पूजा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं छत पर जाऊँगी, क्योंकि मैं सीधा, मैंने जैसे कहा कपड़े धो के सीधा मैंने पूजा की है, क्योंकि मुझे ऊपर भी पानी डालना होता है। तो मैं पहले पूजा करती हूँ और फिर मैं सब जो मतलब लोटा भर के रखती हूँ मंदिर में वो सब ऊपर डाल आती हूँ। फिर चलिए चलते हैं ऊपर। तो कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गर्ल गायत्री ब्लॉग में। तो आज है, टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि रात में ना क्या हुआ कि दिया मतलब सो, जैसे हम सो गए आधी, जैसे 1.5 घंटा हो गया सोने के बाद, ना तो फिर दिया कि ना तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों उसको बार बार मतलब टॉयलेट आ रही थी, बार बार जा रही थी, आ जा रही था, तो फिर उसके दर्द भी होने लग गया, फिर वो रोने लग गई रात में। तो मैं उसको किया, उसका मतलब थोड़ा कुछ सूटा, थोड़े तेल लगाया उसके, फिर मतलब सहलाया, तब जाके उसको थोड़ा मतलब वीविंग लगाई उसके नाभि पर, तब जाके 3-3:30 बजे उसको थोड़ा आराम हुआ, तब खुद जाके सोए। तो आज सुबह इसलिए लेट हो गए फिर उठने, तो इसलिए मैं अभी मतलब आपके साथ बात कर रही हूँ कि मेरी पूजा हो गई है और मुझे अभी जाना है कपड़े डालने। फिर पीऊँगी चाय, तो आपको पता है कि वैसे लेट हो गई हूँ और अभी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि दिया के पापा है ना दुकान पर चले गए, और दिया के स्कूल में जो कॉफी मतलब देने आता है वो नहीं आया अभी अंकल, तो मुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर चढ़ गई और वो आ गए तो फिर उनका टाइम 10:30 बजे कही गए, तो वो अभी आती होंगे तो पता नहीं मतलब कब आए। तो अगर मैं ऊपर चली गई और फिर वो आ गए तो फिर कौन लेगा, और फिर मैं फिर जब आ गए तो मुझे नीचे आना पड़ेगा फिर। तो अभी थोड़ा उनका वेट कर रहे हैं, फिर चलती हूँ ऊपर, फिर जाऊँगी ऊपर कपड़े डालने। तो बस तब तक मैं सोच आपके साथ ही थोड़ी बातें कर लूँ। तो अभी मतलब मैंने कहा वो सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा, पानी भरना, तो मैं अभी नहा के आपको बताइए, मैं मतलब पूजा करने नहा के भी आ चुकी हूँ, तो कपड़े डालने जाना है, फिर चाय पीऊँगी, फिर मेरे ब्लॉग देख के उनको पता होगा कि मैं आपकी चाय पी थी, और आज तो बच्चे भी जल्दी उठ गए हैं मतलब लेट सोए फिर भी जल्दी उठ गए, क्योंकि दिया की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो सुबह उसको वो हुआ तो वो फिर जल्दी उठ गई, फिर आई मतलब टॉयलेट करने, तो फिर वो उसको दोबारा नहीं सो दो उठी गई, फिर वो उठ गई तो फिर दिया के साथ हम भी, आपको पता नहीं अगर एक बच्चा उठ जाए तो एक बच्चा तो ऑलरेडी उठ ही जाता है, तो दोनों उठ चुके हैं और वो अभी उस रूम में TV देख रहे हैं मतलब गाने देख रहे हैं। तो मैं अपना काम कर लूँ, मैं बस उनका ही इंतज़ार कर रही हूँ, अगर वो कॉपी देने आ जाए स्कूल से तो फिर मैं जाऊँ छत पर। और आज मतलब मैं सोचा है कि बाज़ार जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है जैसे कि करवा चौथ आने वाली है, तो सामान लेना है। वैसे तो साड़ी आड़ी तो ले ली है, चूड़ी पर भी छोटे मोटे बाकी के जो होते हैं मतलब सामान, क्योंकि हमारे यहाँ जो करवा चौथ मनाते हैं ना, तो अभी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि दिया के स्कूल से आ गए थे कॉपी लेने, तो मुझे उनको कॉपी देने जाना पड़ा, तो फिर अब मैं चलती हूँ छत पर। और मैंने कहा ना बच्चे उधर मतलब उठ गए हैं, तो मतलब पहले तो मैं कपड़े डाल के आऊँगी, फिर चाय पीऊँगी, फिर उनको तैयार करूँगी। और हाँ, मैं मतलब करवा चौथ की बात कर रही थी, तो उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं आने वाला है, तो मतलब आधा
मतलब बड़ा बड़ा जो सामान है वो तो आ गया, फिर भी छोटे मोटे सामान लेने हैं तो उसके लिए तो बाजार ही जाना पड़ेगा। और मतलब हमारे यहाँ जो बनता है तो उसमें पूरी चीज़ें नई, मतलब जब भी आता है सारी नई चीज़ें, नई साड़ी, नेल पॉलिश, पूरा श्रृंगार नया, तो सब नया लेना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। तो मैं जब मतलब आ जाएगा तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो फिर चलिए चलती हूँ सबका, और फिर बाकी काम करने के बाद, रेडी मतलब रखने के बाद, अगर मतलब हो जाता है टाइम पर काम तो फिर मैं इनको फोन लगा दूँगी, तो हम जाएंगे बाज़ार, नहीं तो फिर कल जाएंगे। तो फिर चलिए चलती हूँ सबका। तो आपसे बातें करने के बाद, और वो मैंने जैसे बोला था कॉपी, उनको मतलब वो आ गए थे, तो मैंने लेने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि दिया के पापा चले गए थे दुकान पर, तो अगर वो नीचे आते तो फिर कौन लेता, फिर मुझे ही रुकना पड़ा कॉपी के लिए कि वो दे के जाए, तो मैं उसके बाद आई हूँ, नहीं तो फिर मुझे ऊपर से ही जाना पड़ता नीचे। तो मैं जो पहले कपड़े डाल गई थी तो वो उधर डले हैं, जो अभी सूख गए होंगे तो मैं उनको देखूँगी, तो उनको ले जाऊँगी उठाकर। और अभी मैं जो नहा के आई हूँ तो वो कपड़े डाल रही हूँ, तो मैं इनको डाल देती हूँ, जो मतलब मेरे कपड़े हैं जो नहाने के, और वो कपड़े डले हैं वो मैं उठा लूँगी। तो इस तरह से अब चलते हैं नीचे, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह आपसे बात करने के बाद, मतलब अब आप से आपसे मिल रही हूँ, तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जैसा बोला था दिया की तबीयत ख़राब है, तो फिर मतलब फिर वैसा ही कुछ हुआ, तो फिर मैं नहीं आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई, तो फिर वो थोड़ा मतलब रिलैक्स हुई। तो फिर मैं अब शाम को, वो थोड़ी हो गई, उसके पापा उसको डॉक्टर पे ले जाएंगे, तो वो शाम मतलब मैं आ गई चाय बनाने, वो चाय पी के फिर वो दिया को लेकर चले जाएंगे, फिर दवाई दिला कर वो ले आएंगे। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैंने दूध, एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, तो मैंने उसमें शक्कर डाल दी है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने साड़ी, हाँ साड़ी मैंने बाज़ार के लिए पहनी थी, तो मैंने चेंज कर ली कि मैंने अब जाना ही नहीं है, मैंने क्यों साड़ी ख़राब करना, क्योंकि मैंने निकाली थी उसको अंदर से। तो मैंने अब इसमें सौंफ भी डाल दिया, तो मैंने उस चेंज कर ली है, अगर मैं कल गई तो आज हमारा जाना नहीं हो पाया जैसा मैंने बोला था, और अगर मैं नहीं गई तो फिर मैंने साड़ी भी उतार के रख दी, क्योंकि चलो मैं निकल ली पहनूँ, तो मैंने चाय पत्ती भी डाल दी है। तो मैं इसमें सौंफ, थोड़ी मेथी और अदरक और लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जैसा आपको पता ही है कि माहौल कैसा चल रहा है, तो मैं सारा मिक्स करके अदरक अच्छी तरह से कूट कर जब चाय बनाती हूँ तो मैं ये सब लेके आ गई हूँ। और आपने ये पत्थर है जिससे मैं अदरक कूटूँगी, तो ये देखिए मैंने सब कूट लिया है, तो मैं इसको चाय में डाल दूँगी। और जो बर्तन मैंने धुल के रखे हैं, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि सुबह का काम तो हो गया हमारा, खाना पीना भी हो गया, बर्तन भी धुल गए, तो ये शाम का टाइम है, अभी 5:30 या 6:45 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने, और मैंने मतलब 5:45 या 6 ही हो रहा होगा, क्योंकि मैं पूजा करके भी आ गई हूँ शाम की, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने जो बर्तन रखे थे धो के, मैं वो बर्तन भी लगा दूँगी, तो फिर चाय पी के दिया के पापा चले जाएंगे दुकान पर, फिर मैं बाकी के अपने जो काम करने हैं वो काम करूँगी। तो मेरी ये देखिए चाय बन गई है, और मुझे ज़्यादा कड़क चाय पसंद नहीं है, जो हल्की सी लाल हो जाती है ना वही पसंद है। तो मेरी, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी चाय मतलब पूरी तरह से बन चुकी है, तो हम गिलास में ही चाय पीते हैं, कप में नहीं पीते, तो मैंने चाय छान ली है। तो चलिए अब पी लेते हैं चाय, फिर मैं आपसे बात करूँगी मतलब दिया के पापा के जाने के बाद, क्योंकि अभी तो जल्दी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर है ना मतलब 7 बजे भी बैठते हैं। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, हेलो एवरीवन, आप भी चाय पी लीजिए, आवाज़ बंद है तो आपको नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए दिया के पापा आए हैं, वो चाय पी रहे हैं, और दिया भी बैठी है, तो मैं अभी पीऊँगी। ये मतलब ये जाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर है ना, अभी जैसा माहौल चल रहा है तो उनका टाइम फिक्स होता है, तो वो 7 या
मतलब 7:30 बजे कोई वो नहीं है और अनु खड़ा है, तो अनु अपना खिलौना से खेल रहा है जो दिया को बर्थडे में हमने गिफ्ट किया था। तो मैं बस उसे देख के थोड़ा डांस करने लगी, तो देखिए मैंने कहा था तो दिया के पापा जा चुके हैं, तो मैं आ गई हूँ गेट लगाने, तो मैं गेट लगा दूँगी तो फिर मैं मतलब दिया आ जाएगी, उसको दवाई दिला के छोड़ जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे दुकान पर। तो चाय पीने के बाद आप कह रहे हो साड़ी, तो फिर मैंने फिर साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि चाय मेरे मतलब गिर गई थी, वो कपड़े वो हो गए थे। तो फिर मैंने ये वाली वो मतलब नहीं, मैं कुछ ब्लॉग बना रही थी या कुछ बना रही थी तो मैंने उसके लिए चेंज कर रखी थी, तो मैं आ गई थी क्योंकि इस टाइम नल का मतलब टाइम था, फिर अगर इस टाइम नल नहीं देगा पानी भरने के लिए तो फिर वो चले जाते हैं, तो फिर नहीं मतलब वो ये कि घंटे के लिए डेढ़ घंटे के लिए, इस डेढ़ घंटे में अगर भरना है तो भर लो, नहीं भरना तो मत भरो, तो ऐसा है। तो मैं आ गई थी तो बना रही थी, पता नहीं कोई वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं इसी साड़ी पहन के आ गई, तो मैं इसमें पानी मतलब ले जब मैं पानी डालकर फिर उसको उंगली से बंद कर कर उसको प्रेशर देना पड़ता है तब जाके इसमें पानी आता है, तब जाके नल आते हैं। रोज़ ऐसा ही है, मतलब सुबह भी यही करना पड़ता है और शाम को यही करना पड़ता है। तो दिया के पापा चले गए, वैसे तो वो मतलब कर देते हैं नल आ जाते हैं वो ऐसा डाल के। तो फिर मैं आ गई थी नल आवा के, तो आपसे बातें करने लग गई थी, मुझे पता नहीं था कैमरा हुआ ना, तो मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। तो ये अनु ये मतलब लेके जो मसालदानी वगैरह कूटते हैं, तो ये देखिए मेरा पानी भर गया है, मैं आपको दिखा रही थी कि नल आ गए, मैंने मतलब कर लिया जैसे करना था, तो मेरा पानी भर गया है, चाय भी हो गई है और मेरे शाम के काम मतलब झाड़ू वो भी लग चुका है, तो मैं बस अब खाना बनाऊँगी, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं सुबह से अब मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि सुबह मैंने जैसा बोला था कि मैं बाज़ार जाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब मैंने बोला था ना दिया की तबीयत ख़राब है, तो फिर वैसे भी दिया की तबीयत ख़राब थी और फिर लेट हो गए, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है काम से तो इनके दुकान का टाइम हो जाता है, और जब इनको टाइम होता है तो मेरे घर के काम हो जाते हैं, तो हम दोनों को मतलब अपना उनमें मतलब उनको अपना काम और मुझे अपना काम, उसके बाद जो टाइम मिलता है तो दोनों मिक्स करके हम दोनों मतलब कहीं भी जाना हो बाज़ार तो वैसे भी नहीं जाते रोज़ रोज़ और वैसे ही बाहर से, पर कभी कभी जाना पड़ता है तो फिर हम निकालते हैं। तो आज ऐसे ही हुआ कि मैंने जैसे कहा था कि सुबह अनु उठ गया था, फिर तो वो इतना मतलब रात में नहीं सोई थी, रात में दिया की तबीयत खराब हो गई थी तो 3:30 बजे सोए थे, और फिर अनु सुबह जल्दी उठ गया तो दिया उठी थी, तो फिर उसने मतलब जो किया फिर तो वो रह ही नहीं रहा था। मैंने कहा ना अगर बच्चों की नींद पूरी ना हो तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वही उसके साथ हुआ और वो मतलब हुआ ही नहीं, तो सुबह से जाके मैंने उसको संभाला, तब जाके मतलब फिर मैंने उसको तैयार कर दिया था, तो 2 बजे मतलब जाकर वो सोया, और मैंने फिर जल्दी जल्दी रोटी बनाई, फिर खाना खाया और फिर मतलब बच्चों को पहले तैयार कर चुकी थी तो मेरी चोटी नहीं हुई थी, फिर मैंने जल्दी से बर्तन धुले, ऊपर से कपड़े उठा के लाई और फिर अपनी चोटी करी, फिर जब तक तो दिया के पापा आ गए थे, तो 3 बज चुके थे, फिर शाम को मतलब 1 घंटा मतलब 2 घंटे मिलते हैं दुकान से लंच टाइम के लिए, तो एक मतलब आते हैं हाथ पैर धोते हैं खाना खाते हैं, तो आधा 1 घंटा तो उसी में निकल जाता है, थोड़ा बहुत लेते हैं या कुछ घर का काम किया तो उसी टाइम में फिर उनके लेट हो जाएंगे काम को दुकान जाने में, तो फिर हमने आज कैंसिल कर दिया, तो फिर कल का सोचा है, तो मतलब वही काम मतलब ऐसे ही होता है, काम कुछ करने जाओ होता कुछ है करने कुछ चले थे और कुछ और गया, तो अब कल भी पता नहीं, अब तो मतलब फिर उनकी दुकान में है ना, तो उनको सफाई मतलब दिवाली तो आपको पता ही आ रही है, तो फिर दुकान की सफाई होगी 1-2 दिन में, तो उन्हें फिर टाइम मिलने वाला ही नहीं है, तो अब 2-3 दिन तो लगेंगे बाज़ार जाने में, और तो अभी शाम हो गई है 6:30 बज मतलब वो बज टाइम हो गया है, तो अभी आपने देखा मैंने चाय बनाई थी, तो चाय बना के पी के और दिया के पापा और दिया को लेके चले गए दुकान पर, तो हाँ वो दिखा भी लेंगे, उसको दवाई भी दिला लेंगे और मतलब वहाँ फिर दवाई दिला के दिया को सो जाएंगे, फिर वो दुकान पर रह जाएंगे। तो हनु उधर टी वी देख रहा है गाने में, इधर आ गई बात करने के लिए, जो कि टी वी चल रही है तो वहाँ आवाज़ नहीं आएगी,
तो मैं इधर आ गई हूँ गोदाम में आपसे बात करने, क्योंकि सुबह से मैंने फिर जब ब्लॉग स्टार्ट किया था, जब से मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मेरे सुबह के काम सारे हो चुके हैं, खाना पीना बर्तन, और अब जाके मैं आपसे मिल रही हूँ। क्यों वो मैंने आपको बता दिया है कैसा क्या हुआ, तो बस आप मेरे शाम के काम मतलब होंगे तो आपको बता ही दिया है। पापा तो 10 बजे आएंगे तो बच्चे जो खाएंगे, क्योंकि दिया की तबीयत थोड़ी वैसी हो रही है तो वो खाना मतलब होता है ना बच्चों के लिए, तो उनके लिए मैगी बनाऊंगी, मेरे लिए रोटी, तो अभी तो चाय पी है तो अभी मतलब बनाऊंगी, 8:30 बजे तक मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि वो लेट आते हैं 10 बजे, तो उनके लिए जब भी बनाती हूँ। तो आपसे मैंने बहुत सारी बातें कर ली, और मैंने मेरा करवा चौथ की भी मतलब तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो साड़ी तो अभी नहीं आई, आने वाली है, पचूड़ी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब आया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और वो आ गया है, और साड़ी भी की थी। तो अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट करना, अपनी साड़ी दिखाऊँ करवा चौथ की। तो चलिए हो गई है बहुत सारी बातें, अगर हुआ तो आगे ब्लॉग मतलब कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो यहीं एंड कर लूँगी दिखाने का हुआ तो। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दिवाली सेफ और सुरक्षित होना है, तब तक के लिए मतलब दिवाली अभी नहीं कह रही मनाए, मतलब जब आए जब सुरक्षित अपने आप को सेफ रखेंगे, जब भी तो सेफली दिवाली मना पाएंगे, तो अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आपसे बातें करने के बाद मैं आ गई थी दीपक रखने, क्योंकि दिया गई थी, मैं भूल गई थी कि हाँ मैंने चाय उसे पहले ही बनाई थी, क्योंकि इन्हें जाना था जल्दी, तो फिर उसके बाद पूजा करी थी, तो मैं आ गई थी छत पे पूजा करने। तो मैं आपको चंद्रमा दिखा रही हूँ मून, और फिर एक कुछ मतलब दिवाली तो आपको पता ही है चली रही, तो किसी किसी घरों में मतलब झालर भी लग चुकी है, लाइटिंग हो चुकी है, तो मैं अभी अंधेरा है मतलब लाइट ऐसी जल रही है, तो मैं आपको दिखा रही थी ये देखिए मैंने कैसा व्यू दिख रहा है मतलब रात में, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो अगर आप मेरे करवा चौथ की शॉपिंग पूरी देखना चाहते हैं फुल वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिखो खुश रहें स्वस्थ रहें, बाय। तो मैं आपसे कह रही थी ना कि मैंने वीडियो शूट किया था तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, कि उसमें पता नहीं मतलब कुछ वो आ रहा था, तो पानी का उस टाइम की क्लिप है तो वो मैंने डाल दी थी। तो ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है, तो आप ही सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सिंपल मतलब ज़्यादा नहीं है मतलब ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और ज़्यादा कड़ी हुई भी नहीं है, तो के मतलब क्यों ली है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मतलब पिछला या उससे पिछला करवा चौथ ऐसा आया था जब दिया छोटी थी और मैं बाज़ार गई थी, तो मुझे थोड़ा पसंद आ गई थी, तो मैंने ना उसका बॉर्डर बहुत हैवी दे रखा था, तो मैंने ले तो आई उस टाइम पर, मुझे ध्यान नहीं आया कि मुझे पहननी है, इसको कैरी करनी है, पिन लगानी है, तो मैं लेके आई। जब करवा चौथ आया तो आपको पता ही है सुबह करवा चौथ मतलब कितना हैट्रिक वाला दिन रहता है, कि सुबह से मतलब व्रत भी रहता है, फिर घर के काम भी रहते हैं और अपने काम भी रहते हैं, फिर शाम को भी खाना बनाना होता है, नहाना होता है, पूजा करनी होती है, तैयार होना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हो कितना सब करने के बाद जब मैंने वो साड़ी पहनी तो भूखे प्यास सी तो सुबह से थी, और काम वाम करके तो मुझसे समझ ही नहीं रही थी। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी बहुत ही जिस पर मतलब प्लान ज़्यादा प्लान भी ना हो, तो इस पर मोतियों का डिज़ाइन लगा हुआ है मतलब पूरी साड़ियों पर, और बॉर्डर पर ये प्लेट दी हुई है, तो मैं इसलिए मैंने अब की करवा चौथ मैंने ऐसी ही मतलब साड़ी ली है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, पर ये रेड कलर है, थोड़ा मतलब कैमरे पर ऐसा आ रहा है। तो ये थी मेरी साड़ी की कहानी कि मैंने मतलब ऐसी साड़ी क्यों ली है। तो मैंने अब की करवा चौथ में नहीं ऐसी साड़ी लेनी चाहिए जो मतलब मैंने अपन पहनना चाहो तो मतलब कभी भी पहन लो, यही नहीं है कि मतलब सुबह पहनी नहीं जा रही ना ज़्यादा भारी हो। तो जब से मैं थोड़ी मतलब
साड़ी में मैं वो करने लग गई हूँ थोड़ा बहुत कि मैं मतलब ज़्यादा भारी साड़ी उस पर नहीं देती, तो मैं अब इसको करवा चौथ पर पहनने वाली हूँ, फिर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, इसमें जो लगा रखा था, मैंने कहा ना मैंने ब्लॉग बनाया तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो मेरे बाल हो रहे थे तो मैं यही देख रही थी, तो मैं स्टैंड रख दूँगी। और ये सब बंद करने के बाद अभी ये रात का टाइम है, मतलब सोने जा रहे हैं, 12 या 12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो बस मैं वीडियो शूट करने के बाद मैंने इसमें क्लिप डाल दी थी। तो और ये मेरी चूड़ी है जो मैंने मीशो से, मतलब वो क्या पहली बार मैंने ये चूड़ी मतलब मीशो से मंगाई है, वेलवेट चूड़ी, और लिपस्टिक सेट मतलब पूरा उसी के साथ आया है, और ये नेल पॉलिश का मतलब पैकेट जो मैंने पहली बार मैंने ऑर्डर किया है, तो ये आ रही थी। तो वो आपको बताया ना, एक एक लगा के वो हो जाता है, करवा चौथ पर अगर एक लेके आओ तो फिर वही लगानी पड़ती है, समझ।